Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS, and today we are going to do our topic on current affairs on natural gas marketing reforms. So first of all, ये topic आपके GS3 के paper का part है that talks about conventional forms of energy because natural gas is itself a greenhouse gas. It's a greenhouse gas and it's a conventional form of energy. Secondly, we will discuss what these marketing reforms are. We will discuss what are the advantages of these reforms. We will discuss what is natural gas, what are its uses, what are the sources of natural gas in the country and how it is formed. We will also discuss what is the licensing policy, and this article has been in news since 2016. So these sare topics aapke mains ke paper ke liye important hain. They can be a direct question in mains, such as India is trying to move towards a gas-based economy, and what are the steps and what are the marketing steps, marketing reforms in this direction. So let's deal with it. Cabinet Committee on Economic Affairs has recently approved natural gas marketing reforms. ये एक standardized electronic bidding process लेके आया है जिसके थ्रू हम मार्केट में नेचुरल गैस का प्राइस डिसाइड करेंगे. जो प्रोड्यूसर कंपनीज हैं उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, वेयर एज जो एफिलिएट कंपनीज हैं सच एज रिलायंस हैव बीन अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस बिडिंग प्रोसेस. इन प्रोड्यूसर एंड एफिलिएट कंपनीज की डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं की गई है फिलहाल. एंड नेक्स्ट इज कि इसके थ्रू जो मार्केट में कॉम्पिटिशन है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ेगा. नेक्स्ट इज़ वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस रिफॉर्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल गैस की यूसेज को हम इंक्रीज करना चाहते हैं क्योंकि नेचुरल गैस एक क्लीनेस्ट फ्यूल है अमंग अदर फॉसिल फ्यूल सच एज ऑयल एंड कोल. ऑयल एंड कोल के कंपैरिजन में अगर आप इस टेबल में देखें तो नेचुरल गैस के इमिशन बहुत कम हैं. नेचुरल गैस के इमिशंस इंक्लूड करते हैं सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर्स. दीज आर द इमिशन ऑफ नेचुरल गैस. इट मीन्स दैट कि नेचुरल गैस एक कम्प्लीटली ग्रीन फ्यूल तो नहीं है, बट इट इज़ वेरी लीस्ट एज कम्पेयर टू दी अदर फॉसिल फ्यूल्स. सो इट हेल्प्स टू मीट द एनर्जीज ग्रोइंग नीड इन अ सस्टेनेबल मैनर. नेक्स्ट इज इट विल ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन दिस सेक्टर सच एज इन MSMEs एंड डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज. जैसे जैसे मार्केट में डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज होगा नेचुरल गैस का, वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी. डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज जो नेचुरल गैस को रिफाइन करके आगे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं सच एज सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज. करंटली जो वर्ल्ड का एवरेज शेयर है नेचुरल गैस का, इट इज़ अराउंड 24%. इंडिया में इट इज़ यूज्ड अराउंड 6%, जो कि बहुत कम है. इसी को बढ़ाने के लिए हम लोग ये रिफॉर्म्स लेके आए हैं. वेयर एज देर इज़ वन स्टेट इन द कंट्री दैट यूजेज इवन मोर देन द ग्लोबल एवरेज, दैट इज़ गुजरात. इट यूजेज अराउंड 25%. नेक्स्ट इज जो इंडिया के रीन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 450 गीगावाट्स बाय 2030, उसको अचीव करने में भी नेचुरल गैस बहुत हेल्प करती है. दैट्स व्हाई वी वांट टुवर्ड्स अ गैस बेस्ड इकोनॉमी. हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो उसके साथ ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा. इससे जो नेचुरल गैस का प्रोडक्शन है वो इकोनॉमिकली मोर वायबल हो जाएगा एंड कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा, राइट. एंड जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होगा उसी तरह से हम लोग इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा सस्टेनेबली एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे, राइट. एंड नेक्स्ट इज इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने बहुत सारे सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स लेके आए हैं इसी डायरेक्शन में. एंड 70,000 करोड़ का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ईस्टर्न कोस्ट पे किया गया है. ईस्टर्न कोस्ट से गैस का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा. नेक्स्ट इज व्हाट आर द प्लेसेस ऑन द ईस्टर्न कोस्ट. देर इज काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश, देर इज एन्नोर इन तमिलनाडु चेन्नई, देर इज कराईकाल इन तमिलनाडु नागापट्टिनम. दीज आर द प्लेसेस ऑफ नेचुरल गैस टर्मिनल ऑन द ईस्टर्न कोस्ट. नेक्स्ट इज नेचुरल गैस है क्या. सो नेचुरल गैस का जो एक्सट्रैक्शन है वो सेम तरीके से होता है जैसे कि क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है. नेचुरल गैस जो है वो क्रूड ऑयल से ऊपर वाली सतह पे एग्जिस्ट करती है बिकॉज गैस इज लाइटर देन ऑयल. इसका जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो भी सिमिलर है लाइक एनी अदर फॉसिल फ्यूल्स. हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कंडीशंस में जब रिमेन्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स बरिड होते हैं तो वो नेचुरली कन्वर्ट हो जाते हैं नेचुरल गैस की फॉर्म में. एंड नेक्स्ट इज इट्स अ हाइड्रोकार्बन गैस मिक्सचर जिसमें प्राइमरी इंग्रेडिएंट होता है मीथेन का.
सो मिथेन इज अ प्राइमरी कॉम्पोजिशन ऑफ नेचुरल गैस. इसके साथ साथ वेरिंग अमाउंट्स ऑफ हायर एल्केन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड या हीलियम भी प्रेजेंट हो सकते हैं. नेचुरल गैस इज अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस इट्सेल्फ एंड इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन. जलने पे यह कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है. नेक्स्ट इज यूजेज ऑफ नेचुरल गैस. सो बेसिकली दो तरह से यूज़ की जाती है, एक एज अ फ्यूल एंड दूसरा एज अ रॉ मटेरियल इन द इंडस्ट्रीज सच एज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स. इट इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडस्ट्रीज एंड अदर कमर्शियल यूनिट्स. इट इज़ यूज फॉर कुकिंग फ्यूल इन डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स. नेक्स्ट इज द सोर्सेज ऑफ नेचुरल गैस इन द कंट्री. ये बेसिकली वेस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न एरिया से ऑब्टेन की जाती है एज वेल एज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम हजीरा बेसिन, मुंबई ऑफ शोर एंड कृष्णा गोदावरी बेसिन. नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यह असम या त्रिपुरा से पाई जाती है. त्रिपुरा इज द लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री. यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट्स अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन प्रीलिम्स. करंटली इंडिया 84 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस प्रोड्यूस करता है. इसके साथ ही इतनी ही नेचुरल गैस इम्पोर्ट भी करता है. द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैज सेड कि इन रिफॉर्म्स के थ्रू 40 MMSCM की और प्रोडक्शन हो जाएगी. इससे जो हमारा इम्पोर्ट बिल है या इम्पोर्ट पर डिपेंडेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा. वी इम्पोर्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस. नेचुरल गैस को लिक्विफाइड फॉर्म में इम्पोर्ट किया जाता है क्योंकि इस फॉर्म में ये ज़्यादा ईजिली स्टोर की जा सकती है. वी हैव अबाउट 140 MMSCM पर डे कैपेसिटी ऑफ ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ नेचुरल गैस टर्मिनल्स. लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक क्लियर कलरलेस एंड नॉन टॉक्सिक लिक्विड है. नेचुरल गैस को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू कूल इट डाउन एट -160°C और -260°F. इस फॉर्म में नेचुरल गैस की वॉल्यूम कम से कम 600 टाइम्स तक श्रिंक हो जाती है. सो इट मेक्स इट मोर कन्वीनियंट टू स्टोर इट इन दिस फॉर्म. एंड लिक्विड फॉर्म में नेचुरल गैस इग्नाइट नहीं होती, दैट इज़ वाई वी नीड टू स्टोर इट इन दिस फॉर्म. नेक्स्ट इज गैस एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी. सो बेसिकली वी हैड एन ओल्डर पॉलिसी ऑफ नेशनल एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी NELP इन द ईयर 1919. इस टाइम पे नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन शुरुआत ही हुई थी, तो इट वॉज़ वेरी ईजी टू एक्सप्लोर एंड डिस्ट्रीब्यूट नेचुरल गैस. बट नाउ हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी हैज बीन पुट इन प्लेस सिंस 2016. वी नीडेड अ न्यू पॉलिसी बिकॉज अब जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो कुछ हद तक डिप्लीट हो चुकी हैं एंड वी नीड मोर इन्वेस्टमेंट, मोर टेक्नोलॉजी. डीप सी वाटर माइनिंग के लिए हमें जाना पड़ता है, इसलिए वी नीड मोर इन्वेस्टमेंट एंड वी नीडेड रिफॉर्म्स इन दिस डायरेक्शन एंड हेंस द लाइसेंसिंग पॉलिसी हैज़ बीन चेंज्ड. सो वी हैव यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग पॉलिसी इन हेल्प. यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग से मतलब है कि वी नीड जस्ट वन सिंगल लाइसेंस फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन. ये एक ओपन एक्रिएज पॉलिसी है. वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड वॉट इज दिस ओपन एक्रिएज पॉलिसी. इट इज़ अ रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल. अर्लियर इट वॉज प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल, नाउ इट इज़ रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल. जैसे जैसे रिवेन्यू जनरेट करेगी, प्रोडक्शन होएगा, उसी के साथ साथ प्रोड्यूसिंग कंपनी सरकार के साथ रिवेन्यू शेयर करेगी. अर्लियर इट यूज टू शेयर ओनली प्रॉफिट्स. सो वी वॉन्ट टू फोकस दैट मार्केटिंग प्राइसिंग फ्रीडम रहे नेचुरल गैस की प्रोडक्शन के लिए. नेक्स्ट इज ओपन एरिया और ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी. दिस वॉज डिक्लेयर्ड इन 2017 बाय द गवर्नमेंट. इसके तहत जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं दे विल चूज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट वेयर दे वांट टू इन्वेस्ट एंड वेयर दे वांट टू एक्सप्लोर दिस गैस. सो दे विल पुट अप दोज, गवर्नमेंट विल पुट अप दोज ब्लॉक्स फॉर बिडिंग फॉर ऑक्शन, राइट. सो कंपनीज के पास ऑप्शन रहता है कि वो अपनी इंटरेस्ट के अनुसार वो एरियाज, वो ब्लॉक्स चूज कर सके वेयर दे वांट टू एक्सट्रैक्ट नेचुरल गैस. सो बेसिकली एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है जिसके थ्रू जो मार्केटिंग है वो ईजी हो जाए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले, राइट. जिससे कि आत्मनिर्भर भारत के को अचीव करना आसान हो जाए. जैसे जैसे डोमेस्टिक गैस का प्रोडक्शन इंक्रीज, डोमेस्टिक नेचुरल गैस का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, वैसे जो हमारे इम्पोर्ट की डिपेंडेंस है वो रिड्यूस हो जाएगी, राइट. वी वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स अ गैस बेस्ड इकोनॉमी. वी वॉन्ट टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन दिस डायरेक्शन. देर इज ऑल्सो मेड श्योर दैट जो प्रोडक्शन अगर कंजम्पशन इंक्रीज होती है तो उसी के साथ एनवायरनमेंट को इम्प्रूव भी किया जा सकता है. इसी से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी इन दी MSME सेक्टर्स दैट आर प्रोड्यूसिंग
gas and that are using gas for their production. So I hope this slides help you to understand this topic better. For more videos and updates, please like, share and subscribe Abhimanyu Abhipedia.